अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है पोल्ट्री फार्मिंग की नए और एक वीडियो में। दोस्तों तो आज 36 दिन है मेरे बाट का अभी एज, और 36 दिन के अंदर जो एवरेज बॉडी वेट आया है वो 2 kg+ ऑफ बॉडी वेट आया है। दोस्तों 2 kg+ बॉडी वेट मतलब थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन अभी जो वेदर बंगाल के अंदर चल रहा है, ये जो चीक्स आया था उस टाइम वेदर था थोड़े ठंड, उसके बाद बरसात का वेदर इसको मिला, अभी बहुत गर्मी है। तो जो बहुत सारे वेदर को झेलता है जो बार्ड, उसका एक्चुअल में इन टाइम पे बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि जो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग है वो दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम में हर एक जो वेदर है वो एडॉप्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अगर सर्दी के टाइम का बार्ड है, वो अगर गर्मी तक जो वो जो शेड है वो अगर गर्मी तक चला जाए तो बार्ड में मोर्टैलिटी आती है, बॉडी वेट कम आते हैं। उसके साथ साथ अगर गर्मी का जो बार्ड है वो सर्दी तक चला जाए तो उतने ज़्यादा दिक्कतें नहीं होते, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, जिस टाइम का बाढ़ है उस टाइम पे अगर लिफ्टिंग टाइम तक ना जाते तो उस टाइम पे जो आपका मैनेजमेंट वेदर हिसाब के जो बॉडी वेट आते हैं वो थोड़े कम आएंगे। तो अभी जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के आसपास दोपहर के टाइम चला जा रहा है, तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नरम वेदर में छोटे बाढ़ था उसका जो हैबिट है, उसका जो नेचर है वो ऐसा ही था, लेकिन अभी गर्मी की वजह से वो जो वेदर है चेंज होने के वजह से बार्ड में जो स्टॉक मोर्टैलिटी है, जो वेट गेन है, उसमें दिक्कतें आ रहा है। तो अभी जो बॉडी वेट मैंने किया था उस वाले सेट में छोटे छोटे बार्ड को पकड़ के किया था, तो 2 kg+ बॉडी वेट आया है, लेकिन लिफ्टिंग टाइम तक आप बार्ड का कंडीशन देख के समझ सकते हो तो 2100+ बॉडी वेट लगभग आ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा इसी तरह से बॉडी वेट करता हूँ कि लिफ्टिंग टाइम बॉडी वेट ज़्यादा हो कम ना हो, जो मेरा कैलकुलेशन से ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एफसीआर मान लीजिए 1.55 के ऊपर चला गया तो लिफ्टिंग टाइप तक वो 50 में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बॉडी वेट कीजिए जिस तरह से आपका जो एक्चुअल कैलकुलेशन बॉडी वेट है वो कम से कम हो, ठीक है। तो अगर आज लिफ्टिंग हो जाएगा तो कल से फार्म क्लीन का वीडियो डालूंगा, अगर लिफ्टिंग नहीं होगा तो लिफ्टिंग डे का अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा। दोस्तों तो सुबह आज अभी 9 बज रहे होंगे, सुबह जो फीडर में जो फीड वगैरह देना होता है, पानी का जगह को साफ़ सफाई करना होता है, वो मैं कर रहा हूँ, और अंदर की तरफ अच्छे अच्छे जो अमोनिया गैस है उसको वेंटिलेशन के लिए 200 फैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोपहर के टाइम एक तरफ एकदम से पूरे दिन फैन चलाना सही नहीं होगा, तो इसको एक काम कीजिए आप, जब आप फ़ैन का इस्तेमाल करेंगे तो आधा घंटे के लिए फ़ैन बंद कर दीजिए, या फिर 15-20 मिनट के लिए फ़ैन बंद कर लीजिए, उसके बाद फिर से 1 घंटे के लिए फ़ैन ऑन कर दीजिए। तो फ़ैन को अगर ऑन ऑफ करते रहेंगे तो बार्ड अपने जगह से हिलेगी और हीट स्ट्रोक वगैरह या फिर एफसीआर वगैरह बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। तो फ़ैन को ऑन ऑफ करते रहिए तो आपका जो एक्चुअल बार्ड का जो हेल्थ है वो सही से रहेगी। तो अभी कंपनी का सिस्टम चल रहा है कि 2200+ बॉडी वेट नहीं होगा तो लिफ्टिंग नहीं होगा, तो इस हिसाब से हो सकता है और 2 दिन भी मेरे फार्म में रहे। तो जितने ही दिन रहे उसका जो अपडेट है आप लोगों को देता रहूँगा। तो दोस्तों उस वाले सेट में भी आपको कंडीशंस देखा देता हूँ, इस वाले सेट में लीटर कंडीशंस थोड़े मैंने अच्छा कर रहा हूँ, तो इस वाले सेट में बार्ड जो है वो थोड़े अच्छे हैं, उस वाले सेट में लीटर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो मेरा दोस्तों काम जारी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने हो सके जो लीटर है उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना, जैसे कि बार्ड में कोई दिक्कत ना हो। अभी दोस्तों इस वाले सेट में जो बॉडी वेट मैं कर रहा हूँ 2 kg 80 ग्राम के आसपास बॉडी वेट आया है, इसका मतलब आप नाचा लगा सकते हो कि लीटर कितना महत्वपूर्ण होता है। उस वाले सेट में 2100+ बॉडी वेट है, इस वाले सेट में 2 kg+ है, तो 50-60 ग्राम का एक म्यूचुअल गैप 1-2 दिन में लीटर ख़राब होने की वजह से रहता है। तो हमेशा मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि लीटर को सही करो तो बार्ड का एक्चुअल बॉडी वेट बढ़िया से आएगी। तो एक्चुअल में वो जो बातें हैं वो कहने की नहीं, एक्चुअल में वो इफ़ेक्ट आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्मल सा बेसिक सा चीज़ है फीड को सही टाइम पे बार्ड को देना, लीटर के ऊपर पूरा मैनेजमेंट करना, उसके साथ साथ वेंटिलेशंस के लिए भी, जैसे कि आप देख सकते हो बाहर की तरफ वेंटिलेशंस के लिए फ़ैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊपर भी फ़ैन है, तो हर एक चीज़ के ऊपर आसानी से जो ध्यान देना, ये सारी चीज़ें सी पोल्ट्री फार्मिंग में पैसा बांधते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि मेरे हर एक शेड्यूल में अच्छा खासा प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता, मेरे भी एवरेज होता है, लॉस होता है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो अगर 5-6 चालान बार्ड करता हूँ तो मुझे 4-5 चालान प्रॉफिट होता है, 1 चालान कभी कभी लॉस हो जाता है जब वेदर ख़राब हो जाता है, जैसे कि इस तरह का जो वेदर अगर होगा तो आपको जो प्रॉफिट है वो आप उस तरह से नहीं
ले पाएंगे, ठीक है। तो जो ठंड के टाइम में जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, गर्मी के टाइम में जो प्रॉफिट होगा वो लास्ट टाइम तक, कभी कभी मोटालिटी होने ज़्यादा होने की वजह से बॉडी वेट कट जाता है, तो दिक्कतें आपको हमेशा रहेगी दोस्तों। तो अब वीडियो को यही एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।